सुबह स्कूल जाना कितना खराब लगता है ना, लेकिन मम्मी के सामने कोई बहाना भी तो नहीं चलता। कितना अच्छा होता अगर एक दिन सूरज ही ना निकलता। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है। कैसे, अभी बताता हूँ। ये काम किया था छोटे से गणेश ने, वो भी जब वो केवल 7 साल के थे। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता। हाँ, वो भी एक रहस्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। कई साल पहले की बात है, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो देखो 7 तारों वाला सप्तऋषि, और वो हंस, और वो देखो कन्या। सरस्वती दीदी, तुम्हारे जैसा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ, गुरुकुल में तो सरस्वती सब बच्चों की छुट्टी कर देगी। गुरुकुल, वो क्या होता है? ये देखो मैंने क्या बनाया। कोई मुझे बताएगा कि गुरुकुल क्या होता है और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गुरुकुल ऐसा स्थान है जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहीं रहते हैं। और केवल सरस्वती ही नहीं, हम सबको कल वहाँ जाना है। हम वहीं रहकर महान ऋषि कश्यप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। किंतु माँ मुझे ऐसे स्थान पे क्यों भेजेगी, मैं तो इतना छोटा हूँ। क्योंकि तुम बहुत नटखट हो, माँ की कोई बात नहीं मानते, सारे मोदक चुरा कर खा जाते हो और सबको तंग करते हो। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भैया तुमने गणेश से झूठ क्यों बोला कि माँ उसे उसकी शरारतों के कारण गुरुकुल भेज रही है? मैं तो उसे चिढ़ा रहा था। गणेश को चिढ़ाने में कितना आनंद आता है, वो झट से क्रोधित हो जाता है। माँ क्या बात है, आज तुमने मोदक चोरी करके नहीं खाए? नहीं माँ, आज से मैं केवल आपके हाथ से मोदक खाऊंगा। आपके हाथ से मोदक खाने का स्वाद ही अलग है। और मुझे तुम्हें मोदक खिलाने में बहुत आनंद आता है। तो आप मुझे गुरुकुल क्यों भेज रही हैं? फिर आप किसको मोदक खिलाएंगी? देखो गणेश, तुम्हें पता है वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं पुत्र, इसलिए क्योंकि अगर वो घर छोड़कर नहीं जाएगा तो वो उड़ना कैसे सीखेगा। देखा, ऐसे ही तुम गुरुकुल जाकर ज्ञानी बनोगे, संसार के नियम सीखोगे। किंतु प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें देवताओं के गुरु महान ऋषि कश्यप के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। किंतु पिताजी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, हम तो देवता हैं, हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ हैं। बेटा, ज्ञान के बिना तो दैवीय शक्तियाँ भी व्यर्थ हैं। शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के शक्ति उस वन के आग के समान है
जो सब कुछ नष्ट कर देती है। पिताजी, मैं तो कितना अद्भुत दिखाई देता हूँ। सबसे अलग गुरुकुल में सब मेरे चेहरे को लेकर चिढ़ाएंगे और मुझे माँ की भी याद सताएगी, और फिर नंदी के साथ कौन खेलेगा? पुत्र, व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं होगा। पार्वती, तुम इनका सामान बांध दो, थोड़ी ही देर में इन्हें गुरुकुल जाना है। देखो हमारे गुरुकुल में कैसा विचित्र प्राणी आया है। राजकुमार डब्बू, इसकी खिंचाई करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ, देखते जाओ मैं इसकी क्या दशा करता हूँ। बालकों शांत, आज से ये दोनों छात्र और दोनों छात्राएं भी इसी गुरुकुल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि तुम इनके साथ मिलजुल कर रहोगे। जी गुरुजी, हम इनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। धन्यवाद राजकुमार डब्बू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बालको, ये डब्बू है इस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान बालक। डब्बू इस गुरुकुल में आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरा कर्तव्य है। आज हम तुम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड में कई नक्षत्र, ग्रह, तारे इत्यादि होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं, एवं समस्त जीव जंतु सूरज की रोशनी के कारण ही जीवित हैं। और इस प्रकार पेड़ पौधे सूरज की रोशनी। गणेश, तुम इस प्रकार छींक कर कक्षा में बाधा डाल रहे हो, कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरे सोन में इतनी गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तुम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहाँ से तुम मुझे सुन भी सकोगे और कक्षा में किसी को भी बाधा नहीं पड़ेगी। और अब हम तुम्हें 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। मुझे पता था कि मुझे गुरुकुल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। चलो गणेश, अब भोजन का समय हो गया है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। देखो गणेश, गुरुजी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारे कारण कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तुम सब भी मुझे ही दोष दे रहे हो। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। अब क्रोध त्यागो और हमारे साथ चलो। देखो भोजन की कितनी अच्छी महक आ रही है। मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए यही भोजन लेकर आते हैं। ये विचित्र जीव हमारे गुरुकुल में क्या करने आया है? इसे तो वन में दूसरे जानवरों के साथ होना चाहिए। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? अभी गुरुजी की डांट नहीं भूले? अच्छा, वो तुम थे? हाँ, मैं था। जाओ करो ना गुरुजी से शिकायत। लेकिन याद रहे, वो तुम्हारी। मुझे गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए उचित हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब क्या करोगे? कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी सहायता करो, हमें यहाँ से उतारो, जल्दी जल्दी, हमें यहाँ से उतारो, जल्दी। आया मजा, अब कभी मुझे परेशान मत करना। गणेश, इससे पहले गुरुजी। हाँ गणेश,
क्या ये शरारत तुमने की है? तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें 2 दिनों के लिए आश्रम से निकाला जाता है। लेकिन गुरुजी, ये दिन भर रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अगर आश्रम में किसी ने इसकी सहायता करने का प्रयत्न किया तो वो भी दंडित होगा। कितना सुंदर रथ है, अवश्य किसी राजा या देवता का होगा। ए बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम गणेश है और मैं गुरु कश्यप के गुरुकुल में पढ़ता हूँ। तब तो आप अवश्य हमारे राजकुमार के मित्र होंगे। राजकुमार? सारथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जानवर को हमारे रथ पर चढ़ाने की? उतरो हमारे रथ से। ऐसे रथ पर केवल राजकुमार बैठते हैं, तुम्हारे जैसे विचित्र जीव नहीं। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? यदि दोबारा हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो गुरुजी तुम्हें गुरुकुल से हमेशा के लिए निकाल देंगे, समझे? तुम अगर राजकुमार हो तो मेरे पिताजी भी एक देवता है, देखना वे मुझे इससे भी सुंदर रथ देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, एक देवता का पुत्र हाथी कैसे हो सकता है? मेरा रथ आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखते हैं, अब चलो सारथी। चलो। याद है कल रात को इसी समय पे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तारे गिन रहे थे? हाँ, एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, पता नहीं गणेश कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हाँ, मुझे बच्चों की याद बहुत सता रही है। पता नहीं गणेश कैसा होगा, वो तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। हाँ पार्वती माँ, बालकों के बिना कैलाश पर्वत कितना सूना लग रहा है। अरे वो देखो गणेश। ये कैसे हो सकता है नंदी, लगता है कि तुम्हें गणेश की इतनी याद आ रही है कि तुम्हें वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, किंतु माँ मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है। अरे गणेश, तुम इस समय क्या हुआ गणेश, इस प्रकार गुरुकुल से वापस कैसे आ गए? माँ, मुझे आप कभी भी गुरुकुल मत भेजना, वहाँ मुझे आपकी बहुत याद आई। और गुरुकुल बहुत गंदा है, वहाँ की बालकों ने मुझे बहुत परेशान किया और मैंने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। चलो पहले चलकर भोजन ग्रहण करो और फिर तुम मुझे विस्तार में सब कुछ बताना। माँ, मैंने कहा था ना मुझे गुरुकुल मत भेजो, वहाँ सब बहुत गंदे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं और गुरुजी भी उनका साथ देते हैं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा मत कहो गणेश, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित होंगे और उनका क्रोध तो तुम जानते ही हो। तो ठीक है, गुरुकुल केवल एक स्थिति में जाऊंगा। वो क्या? यही कि आप पिताजी से कहो कि वे मुझे एक अच्छा सा वाहन दे जिस पर मैं खूब घूमूं, ना बढ़िया वाहन जितना पूरे विश्व में किसी के पास ना हो, राजकुमार डब्बू के पास भी नहीं। ठीक है, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं भोलेनाथ से कहूंगी कि वो तुम्हें उपहार के रूप में एक सुंदर सा वाहन दे। सच में माँ, फिर तो मैं वाहन लेके गुरुकुल अवश्य जाऊंगा। माँ लोरी सुनाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जा मेरे राज को घूमे वो चांद नगर के पत्ते।
पुत्र, आज तुम्हारा जन्मदिन है और पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे पता है पिताजी मुझे क्या देंगे, मैंने अपने सपने में देख लिया था। अच्छा, वो क्या? वो मुझे सितारों से जरा एक रथ देंगे जिसमें 3 सफेद घोड़े होंगे। हो सकता है। जाओ अपने पिताजी से ही पूछ लो। प्रणाम पिताजी। जीते रहो गणेश। पुत्र, तुम्हें इस प्रकार गुरुकुल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। किंतु पिताजी। गणेश, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जी पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक वाहन देने जा रहा हूँ। आंखें खोलो गणेश। पिताजी, ये चूहा कैसे आ गया? डरो मत गणेश, ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, तुम्हारा वाहन है और इसका नाम मूषक राज है। किंतु पिताजी, माँ ने तो कहा था कि आप मुझे एक रथ देने वाले हैं। गणेश, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हमने ये चूहा तुम्हें दिया तो इसका अवश्य कोई कारण होगा। पिताजी, मैं इतना बड़ा और ये इतना छोटा? ये कोई साधारण चूहा नहीं है, समय के साथ तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। गणेश, अब तुम यहाँ से जाओ और हम आशा करते हैं कि तुम दोबारा इस प्रकार गुरुकुल से भाग कर नहीं आओगे। जी पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र गणेश, चिंतित मत हो, मूषक राज छोटा ही सही किंतु ये एक अद्भुत शक्तियों वाला चूहा है, समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। जाओ गणेश, अब गुरुकुल के लिए प्रस्थान करो। जी माँ। अगर किसी ने इसे गुरुकुल में देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, चकमा देकर गायब होना पड़ेगा। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। बस गुरुकुल आ ही गया, कितनी थकान हो गई है। तुम यहाँ तक पहुँच गए? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मुझे इस वृक्ष से नीचे उतारो। कोई तो आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई मेरी सहायता करो। धन्यवाद दोस्त। कुतुस, तुम यहाँ कैसे? मैं पाताल लोक से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। किंतु मित्र, तुम इतने दिन थे कहाँ? मुझे मेरे पिता ने राक्षसों के गुरुकुल में डाल दिया है। वहाँ राक्षसों को मनुष्यों को परेशान करना, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना और बहुत सारे गलत काम सिखाए जाते हैं। आज मैं वहाँ से किसी प्रकार भाग कर आया हूँ। मेरी स्थिति तो इससे भी बुरी है। मतलब? बताता हूँ। कल प्रातः काल पिताजी ने मुझे भी गुरुकुल सबकी गुरुकुल में भेज दिया और उसके बाद तुम ही बताओ मैं इस चूहे को गुरुकुल कैसे ले जाऊं? वह सब मुझे कितना चिढ़ाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। कोई उपाय निकाल दे। अरे इधर आओ मुशकराज, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देखते हैं तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है। मैंने कहा था ना, हम एक चूहे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। वो क्या? अभी तुम गुरुकुल जाओ और इस चूहे को मेरे पास छोड़ दो। कल देखना मैं तुम्हारे लिए क्या सवारी तैयार करता हूँ। जैसा तुम कहो। अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ, लेकिन पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दिया? तुम तो मुझसे भी अच्छा रथ लेकर आने वाले थे। लाया हूँ, किंतु मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा रहेगी। पिताजी ने क्या तुम्हें कोई वाहन दिया है? हाँ, किंतु मैं तुम्हें वाहन कल ही दिखाऊंगा, जब हम कुबेर के भोजन में जाएंगे। कुबेर के भोजन पर तो हम भी जाएंगे, तब देखेंगे कि तुम्हारा वाहन कैसा है। गणेश, गणेश जल्दी उठो, चलो मेरे साथ। ये रथ बिना घोड़ों के? अरे वाह कुतुस, तुमने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार तो मुशकराज का है, ये कोई साधारण चूहा नहीं है। इतने छोटे चूहे में इतनी शक्ति होगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये रथ दिया है तुम्हारे पिताजी ने, लेकिन वो घोड़े तो देना भूल ही गए। कहो तो हमारे महल में दो गधे हैं, तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। देखा मेरा चमत्कार, अब कोई मुझे कुछ बोल के तो दिखाए। आज तो कुबेर के भोजन में मुझसे अनोखा वाहन किसी के पास नहीं होगा। गणेश, अब खाना बंद भी करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। हाँ, आधा भोजन तो तुम ही खा चुके हो। देखो सारे लोग जा चुके हैं, अब चलो यहाँ से।
लोग मेरा मजाक बना रहे हो ना? देखना, मैं सबको एक दिन सबक सिखाऊंगा। अपने लिए ऐसा वाहन लाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। कितना बुरा हुआ ना गणेश के साथ। पहले उनको गुरुकुल में इतना अपमान सहना पड़ा और उसके बाद भगवान कुबेर के यहाँ भोजन पर सबने उनकी इतनी हंसी उड़ाई। लेकिन गणेश ने भी ठान ली थी कि वे सबको सबक सिखा कर रहेंगे। सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब तुम भूल कर भी मेरे पास मत आना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मुशुकराज, तुम इतना परेशान क्यों हो? गणेश, क्या तुमने मुशुकराज से कुछ कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत डांटा। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इसमें मुशुकराज की क्या गलती है? वो तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। तुम्हें मुशकराज से सहानुभूति है और मुझसे नहीं? मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, अब मैं गुरुकुल वापस कैसे जाऊंगा? सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम नंदी को बोले कि वो कुछ दिन के लिए तुम्हारा वाहन बन जाए। वो इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि गुरुकुल में तुम्हारी दाग जम जाएगी। हाँ, ये उचित है। चलो नंदी के पास चलते हैं। गणेश आज भी गुरुकुल नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। कार्तिक के भैया उसे ढूंढने जंगल में गए हैं। किंतु हम दोनों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें डब्बू को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, चलो हम उसकी शिकायत गुरुजी से करते हैं। अगर मेरी शिकायत गुरुजी से की तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे प्रिय भाई गणेश का किया, समझे? अरे गणेश, तुम गुरुकुल से दोबारा वापस आ गए, और ये तुम्हारे साथ कौन है? नंदी, ये मेरा मित्र कुतुस है और हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ नंदी, हम तो तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। सहायता? नंदी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा वाहन बन सकते हो? नहीं गणेश, ये नहीं हो सकता। मुझ पर तो भगवान शिव सवारी करते हैं। किंतु पिताजी तो कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या तुम एक दिन के लिए भी मेरी सहायता नहीं करोगे? मैं केवल अपने गुरुकुल के घमंडी बालकों को सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? हाँ, बताता हूँ। हमारे गुरुकुल में डब्बू नाम का एक बालक है। पहले दिन से ही वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कक्षा में गुरुजी से डांट पड़ने के बाद उसने मुझे दोबारा अपमानित किया, और फिर कुबेर की दावत में भी इसने मुझे अपमानित किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल एक बार मेरे साथ गुरुकुल चलो, ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरे पास भी एक शक्तिशाली वाहन है। क्या अब भी तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? ठीक है, मैं केवल एक दिन के लिए तुम्हारा वाहन बनने को तैयार हूँ। चलो नंदी, अब सब देखेंगे कि मेरा वाहन कितना बड़ा और शक्तिशाली है। अब सीधे हमें गुरु को ले चलो। बादल से कितनी अद्भुत रोशनी निकल रही है, उस बादल के पीछे कोई अप्सरा है। नंदी, हमें उस ओर लेके चलो। पर कहीं हम किसी संकट में न पड़ जाएं। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदी। ये तो सूर्य देव का रथ है। सूर्य देव का रथ? हाँ, इस रथ पर सवार होकर ही सूर्य देव धरती पर आते हैं और सबको रोशनी देते हैं, और जब वो रथ पर वापस चले जाते हैं
तो रात हो जाती है। किंतु अभी तो सूर्य देव इस रथ पर नहीं है। अभी वो आसमान में विराजमान है और धरती को रोशनी दे रहे हैं। और जब वो इस रथ पर सवार होकर वापस अपने महल आ जाएंगे तब रात होगी। बिल्कुल ठीक कहा। अरे वाह, ऐसा अद्भुत रथ तो किसी देवता के पास नहीं होगा। मेरा तो इसमें बैठने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, चलो एक पल के लिए इसमें बैठते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं मौका मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अरे अरे, ये क्या? तुम लोग बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे और भगवान शिव मुझ पर क्रोधित होंगे। नंदी, हम बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। हे प्रभु, लगता है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंदी ने ठीक कहा था, संकट तो आने ही वाला था। बताता हूँ कैसे। ताड़कासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके तीन बेटे थे, अक्षासुर, धरासुर और जलासुर। उन तीनों ने 100 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी और 100 साल की तपस्या के बाद उनके सामने स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 अद्भुत राजमहल दिए, अक्षासुर को आकाश में, धरासुर को धरती पर एवं जलासुर को जल के नीचे। लेकिन इन भाइयों को उन राजमहलों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा से 200 साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो जो मांगना है। प्रभु, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। मुझे क्षमा करो, किंतु ऐसा वरदान तो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर जीव नश्वर है। अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आज के बाद किसी देवता की तपस्या नहीं होगी, क्योंकि जब वो अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी नहीं कर सकते तो उनकी पूजा कौन करेगा। हाँ, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर 3 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ और 3 दिन तक रात नहीं हुई तो तुम लोग अमर हो जाओगे। सूरज 3 दिन तक अस्त ना हो और 3 दिन तक रात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं है। हमारी 100 साल की तपस्या व्यर्थ हो गई, अब हम क्या करें? एक रास्ता है। तुम्हें पता है कि सूर्य देव धरती पर एक रथ पर सवार होकर आते हैं। वो रथ 3 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। अगर हम तीनों वो तीनों घोड़े चोरी करके 3 दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर छुप जाएं तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रथ के ना मिलने पर सूरज अस्त भी नहीं होगा और फिर कभी रात भी नहीं होगी। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो उस रथ को ढूंढते हैं। मित्र, मुझे यही उतार दो। किंतु क्यों कुतुस? मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ हूँ, पाताल लोक में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे।
मैं झटपट वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज ही तुम ये रथ वापस कर देना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी कठिनाई में फंस जाओगे। हाँ मित्रों, मैं आज ही ये रथ वापस कर दूंगा। सारा आकाश छान मारा, किंतु सूर्य के रथ का कोई अता पता नहीं। कहीं ये भी कोई देवताओं की चाल तो नहीं? लगता है देवताओं ने हमारे डर से सूर्य के रथ को कहीं छुपा दिया है। नहीं भैया, उस रथ को किसी ने नहीं छुपाया है। वह रथ तो भगवान शिव के 5 वर्षीय बालक घूमने के लिए ले गए हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी। एक 5 वर्षीय बालक से तो रथ छीनना अत्यंत सरल काम है, लेकिन वो बालक हमें मिलेगा कहाँ? मुझे पता चला है कि वो बालक महर्षि कश्यप का शिष्य है। क्या पता हमें वो वहीं मिले। तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। हाँ। तो बालकों, योगा 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगा एवं हाथ योगा। आज का दिन कितना लंबा है ना, और सूरज है कि ढलने का नाम ही नहीं लेता। बालकों, अब कक्षा समाप्त होती है। क्या बात है, गणेश आज भी कक्षा में नहीं है? वो गुरुजी, वो गणेश को कहना कि वो कल से कक्षा में वापस आए, नहीं तो हमें तुम्हारे पिताजी से बात करनी होगी। जी गुरुजी। लगता है गणेश वापस कैलाश पर्वत चला गया। मैंने सारा जंगल छान मारा, किंतु वो कहीं भी नहीं है। चलो उसे दोबारा ढूंढते हैं। अगर वो नहीं मिले तो हमें अपने माता पिता को बताना होगा। ये इतना शोर किस बात का है? डब्बू का कहना है कि अगर कोई उसके घोड़े को दौड़ में हरा देगा तो वो उसको ये रथ देगा। इन घोड़ों में ऐसी क्या बात है कि इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता? ये हमारे घोड़े हैं। हजारों राज्य के रथों से हमारे घोड़ों के दौड़ का मुकाबला हो चुका है, किंतु आज तक इन्हें किसी ने नहीं हराया। किस सोच में पड़ गए कार्तिकेय? क्या गणेश के चूहे को बुलाओगे इससे मुकाबला करने? मैं हराऊंगा डब्बू के घोड़े को। हाँ? अब बोलो डब्बू, करोगे मेरे घोड़े के साथ घोड़दौड़ी? तो आज शेरत मेरा हुआ। हाँ गणेश। गणेश, ये रथ कहाँ से लाए हो? बताता हूँ, लेकिन पहले आप तीनों इस रथ पर बैठो, रास्ते में बताऊंगा। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुमने ये रथ सूर्य देवता से चुराया है? तब तो हमें इसे अभी लौटा देना चाहिए। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार ब्रह्मांड का ब्रह्मांड कर ले, उसके बाद हम ये रथ वापस रखाएंगे। ठीक है, किंतु जल्दी। बालकों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो यहाँ गणेश नाम के एक बालक को ढूंढ रहे हैं, जो हमारा रथ चोरी करके ले गया है। अच्छा, तो वो रथ आपका था? गणेश उस रथ पर सवार अभी कुछ देर पहले ही उत्तर दिशा में गया है। यदि आप तुरंत उस ओर जाएंगे तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। चलो, हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दानव गणेश को कैसे मजा चखाते हैं, किंतु ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है।
अब कितनी देर लगेगी इन दानवों को गणेश को ढूंढने में। जी करता है इन घोड़ों की पूछ काट दूं। देखो उस दिशा में है, उधर चलो। मैं कहां आ गया? मुझे वापस जाना है। मत हो सरस्वती और नीचे बिल्कुल मत देखना, मैं आ रहा हूँ। धरती पर कभी रात नहीं होगी। बालकों, तुम्हें मुश्कराज का आभारी होना चाहिए। आज उसके कारण ही तुम्हारी जान बची है। उसने ही मुझे आकर इस खतरे के बारे में बताया। जब उसे नंदी से पता चला कि तुम दोनों रथ लेकर भाग गए हो, तो उसने तुरंत आकर मुझे ये सूचना दी और मुझे अपने साथ चलने को कहा। धन्यवाद मुश्कराज, किंतु आप असल में कौन हैं? मैं मुझे भी तो लेते जाओ। मेरी मानो इसे यही छोड़ देते हैं। देखो, मेरे पिता विश्व के सबसे बड़े राजा हैं। वे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अब हमें अपने बारे में कुछ बताओ। मैं गरुड़ देवता का बेटा जटायु हूँ और गरुड़ देवता के समान मैं आधा पक्षी और आधा मानव हूँ। धन्यवाद जटायु, किंतु अब हम वो घोड़ा वापस कैसे लाएंगे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, किंतु पहले तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। क्या नंदी, ये तुम क्या कह रहे हो? गणेश ने सूर्य का रथ चुरा लिया, इससे तो सृष्टि हिल जाएगी। अब क्या होगा? ये बात तो मुझे भगवान शिव को बतानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं वो गणेश को शाप न दे दे। अब बहुत देर हो गई है, उन्हें बताना आवश्यक है। गणेश, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने वो रथ जल्द से जल्द वापस न लाकर दिया तो तुम्हें जीवन भर धरती पर साधारण मानव के रूप में रहना होगा। तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही देवता के रूप में तुम्हें कोई जानेगा। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? वो तीन राक्षस कौन थे और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब बताता हूँ। वे तीनों राक्षस तारकासुर के पुत्र हैं, जो आकाश, धरती और पाताल में रहते हैं। उन्हें भगवान ब्रह्म ने ये वरदान दिया है कि अगर 3 दिन तक
सूर्यास्त नहीं हुआ तो वे अमर हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने तुमसे ये घोड़े छीने। अब तुम्हें 3 दिन के अंदर वे घोड़े वापस लाने हैं, नहीं तो वे राक्षस अमर हो जाएंगे और धरती एवं स्वर्ग में उनका ही राज होगा। किंतु जटायु, हम तो इतने छोटे हैं, हम इतने शक्तिशाली दानवों से घोड़े वापस कैसे लाएंगे? तुम लोग कोई आम बालक नहीं हो, तुम्हारे माता पिता देवता हैं और इसलिए तुम सबके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। अद्भुत शक्तियाँ? नहीं, हमारे पास कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। वो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा, केवल अपने आप पर भरोसा रखो। इस गंदे चूहे को यहाँ से भगाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पर बैठने की? हटाओ हटाओ इसे। कोई बचाओ मुझे। मैं इस गंदे चूहे को नहीं छू सकता, तुम लोग मेरी मदद करो। नहीं दापू, हमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हें मुशक राज की पूछ पकड़ के ही ऊपर आना होगा। वो देखो कितना अद्भुत स्थान है। ये अक्षासुर का मायावी टापू है जो भगवान ब्रह्म ने उसे वरदान में दिया था। तो अक्षासुर ने घोड़ा यहीं छुपा कर रखा है। मैंने अपने जीवन में आज तक इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। मायावी है, यहाँ की कोई भी वस्तु छूना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये नालायक चूहा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इतने बड़े स्थान में हम घोड़ा कैसे ढूंढ कर निकालेंगे? मुझे पता है, हम पहले उस दानव को ढूंढेंगे, घोड़े का पता अपने आप चल जाएगा। किंतु हम दानव को ढूंढेंगे कैसे? हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। इस समय कुटुश हमारी सहायता कर सकता है क्योंकि वो स्वयं ही दानव है, इसी कारण उसे दानवों के बारे में सब पता है। अरे, ये डब्बू खा गया। इतने सारे फल, इससे पहले कि कोई और इन्हें देखे मुझे ये सारे खा लेने चाहिए। आनंद आ गया इतने मीठे फल खाकर। तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? वो सब बाद में बताऊंगा। मैंने अभी एक बहुत खतरनाक दानव देखा जो लोगों का खून पीता है। खून पीने वाला दानव? हम सबको सावधान रहना चाहिए। दुष्ट दानव, तू लोगों का खून पीता है ना? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे मुझे मारना बंद करो, मैं डब्बू। हाँ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता मैं डब्बू? ये मुझे क्या हो गया? ये तुम
ये मुझे कैसे स्थान पर लाए हो? औरों को दोष मत दो, ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। तुमने अवश्य यहाँ से कुछ खाया है। तो ये सब उन फलों को खाने के कारण हुआ? ये स्थान तो मायावी है, मुझे यहाँ से ले चलो। हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, तुम अपनी इच्छा से आए थे। हमें दोष देना बंद करो। रुको, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो तुम एक दानव हो? हाँ, लेकिन मुझे डरो मत, मैं और दानवों के समान नहीं हूँ। किंतु तुम इसकी सहायता कैसे करोगे? दानवों के गुरु शुक्राचार्य आजकल हमें जादू सिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत जादू आ गया है। अगड़म बगड़म जादू की तिकड़म, अगड़म बगड़म दानवों की तिकड़म। अगड़म बगड़म जादू की तिकड़म, अगड़म बगड़म दानवों की तिकड़म। कुटुश, जब तुम्हें जादू नहीं आता तो तुम्हें प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए था। एक बार दोबारा प्रयत्न करके देखूं? नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि हम यहाँ हैं? अरे मैं अपने यहाँ आने का असली कारण तो भूल ही गया। मुझे और दानवों से पता चला है कि सूर्य रथ के 3 घोड़े चोरी हो गए हैं, और अगर दानव उन्हें 3 दिन तक छुपाने में सफल रहे तो 3 दिन तक सूरज नहीं डूबेगा और वो 3 दानव अमर हो जाएंगे। क्या तुम हमें बता सकते हो कि अक्षसुर ने पहला घोड़ा कहाँ छुपाया है? वो घोड़ा कहीं आसपास ही है, किंतु अक्षसुर ने उसे जादू से अदृश्य कर दिया है। अर्थात हम उस घोड़े को देख नहीं सकते? हाँ, उसे देखने के लिए हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और वो मंत्र हमें मिलेगा कहाँ? आ मेरे साथ। यहाँ हमें वो पुस्तक कैसे मिलेगी? बताता हूँ। पुस्तक यहाँ कैसे आई? ये पुस्तक मैं देवताओं के गुरु कश्यप के गुरुकुल से चोरी करके लाया हूँ। इस पूरे पुस्तक को 1 दिन के अंदर पढ़ना है, नहीं तो ये मंत्र असर नहीं करेगा। पुस्तक समाप्त होते ही वो घोड़ा दिखने लगेगा। तो तुरंत मुझे ये पुस्तक दो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। पता नहीं सरस्वती को कितनी देर लगेगी, यहाँ कितनी ठंड लग रही है। कुटुश, तुमने तो इतना सारा जादू सीख लिया है, तो फिर आग जला के दिखाओ ना। प्रयत्न कर सकता हूँ। अरे वाह टप्पू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं तो बचपन से दानव हूँ और अभी तक मुझे मुंह से आग निकालनी नहीं आई। लगता है ये वही घोड़ा है। हमें घोड़ा मिल गया। इससे पहले कि दानव यहाँ आ जाए, हमें घोड़ा लेकर भाग जाना चाहिए। आ, 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 आ,
जटायु को ढूंढते हैं, कहीं उसे अधिक चोट न लगी हो। बालकों, समय बहुत कम है, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ से जाओ। जटायु, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जटायु। दोबारा मिलेंगे, किंतु अभी जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। अब हमें धरासुर तक कौन पहुँचाएगा? मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। यहाँ तो दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखते हैं, क्या पता कुछ दिखाई दे। इतने बड़े रेगिस्तान में किसी को ढूंढना असंभव है। वो देखो दूसरा घोड़ा, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकर चलना है, लेकिन वहाँ जाना तो संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। जलासुर समुद्र के अंदर रहता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो समुद्र में कहाँ रहता है। इतने बड़े समुद्र में तो जलासुर को ढूंढते ढूंढते हमें कई वर्ष लग जाएंगे, किंतु हमारे पास तो केवल आज का ही दिन है और हमारे पास तो नाव भी नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। ये कमल मुझे पिताजी ने दिया था, इसमें बैठकर हम समुद्र में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि दब्बू और मुशक राज को धरती पर रुककर इस रथ की निगरानी करनी चाहिए। किंतु वचन दो कि तुम हमारे पीछे लड़ोगे नहीं। ठीक है। लगता है हमें तीसरा घोड़ा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर वो तीन दानव अमर हो गए तो पिताजी मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। पिताजी ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे संगीत में इतनी शक्ति है कि सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। डरो मत, मेरा नाम जलाद्री है और मैं समुद्र के राजा जीवा की पुत्री हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना। क्या तुम हमारी सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ, करूँगी, किंतु बदले में तुम्हें मुझे अपने समान गाना सिखाना होगा। हाँ अवश्य सिखाऊंगी, किंतु अभी हम लोग बहुत जल्दी में हैं। हम जलासुर को ढूंढ रहे हैं। जलासुर?
क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? जलासुर ने सूर्य देव के रथ का घोड़ा चुरा लिया है। अगर हम उसे वापस नहीं लाए तो सूर्य कभी अस्त न होगा और धरती पर कभी रात नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे चंद्रमा की रोशनी में गाना गाना बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आओ सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। घोड़ा लेके इधर से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाकर वो घोड़ा लेकर आता हूँ। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी चलो। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, चाहो तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। देखो मैं एक राजकुमार हूँ और ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मान गया कि तुम कोई साधारण चूहे नहीं हो। तो हम आज से मित्र हैं। अरे वाह, अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। वो रथ कहाँ गया? और वो तीसरा घोड़ा? हाँ, वो घोड़ा और रथ दोनों गायब है। और सरस्वती भी यहाँ पर नहीं है। अब क्या होगा? तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। यादव चटाइयों ने क्या कहा था कि तुम लोग कोई मामूली बालक नहीं हो, तुम लोग देवता हो। अगर अपने आप पर विश्वास रखोगे तो इन दानवों को हरा सकते हो। भगवान शिव को याद करो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हम इन दानवों को पराजित कर सकते हैं। हाँ, आज हम इन दानवों का सफाया कर देंगे। नहीं मार सकते क्योंकि तीन दिन समाप्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। तीन दिन पूरे होने वाले हैं, अब हम अमर हो जाएंगे। चमत्कार कैसे हुआ? ये कार्य मैंने मुशक राज की सहायता से किया। जब समंदर की लहर ने रथ और घोड़े को बहुत दूर फेंका तो मुशक राज ने अपने सूंघने की शक्ति से तीनों घोड़ों को ढूंढ निकाला और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। मुशक राज, मुझे तुम पर अत्यंत गर्व है, मुझे माफ करोगे? बालकों,
आज तुमने एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाया और इस धरती को 3 दानवों से बचाया। धन्यवाद पिताजी, क्या आपने हमें क्षमा किया? हाँ अवश्य। क्या आप हमारे मित्र दब्बू को ठीक कर सकते हैं? चलो वापस गुरुकुल चलते हैं। आओ सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुकुल पहुंचाऊंगी। शक्तिमान है, शक्तिमान है, शक्तिमान है।